हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो आज फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। वेलकम है मेरे चैनल में ज्योतिस कुकिंग, कुक विद ज्योति। सो आज मैं बनाने वाली हूँ, ये जो रेसिपी है ये आप ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर कभी भी यूज़ कर सकते हैं, पर ज़्यादातर लोग इस रेसिपी को फलाहारे यानी कि फास्टिंग के टाइम पर ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये जो मैं बनाने वाली हूँ ये है साबूदाने की खिचड़ी। इस साबूदाने की खिचड़ी बहुत ही हेल्दी है, इसको बच्चे भी अच्छे से खाएंगे और बड़े भी अच्छे से खाएंगे, जिस तरीके से हम बना रहे हैं उस तरीके से। ये काफ़ी हेल्दी होता है, बट ज़्यादातर लोग इसे नहीं खाते हैं क्योंकि इस सही तरीके से बन नहीं पाता है। अगर ये बिना चिपके अगर सही तरीके से बनाया जाए तो बहुत ही टेस्टी है बनाने खाने के लिए। तो इस रेसिपी को आज मैं शेयर करना चाहूँगी आपके साथ, क्योंकि मैंने जब बनाया ये बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्कुल खिले खिले बने, तो मेरे को ज़रूर था कि मैं एक बार शेयर करूँगी इस वीडियो को। तो ये वीडियो मैं शेयर करना चाहूँगी आपके साथ, साबूदाने की खिचड़ी। इसके लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत है वो मैंने अरेंज कर दिया है, जैसे कि ये भुनी हुई मूंगफली, कच्ची मूंगफली को मैंने भून के इसके छिलके उतार के रखे हुए हैं। आप इसको चाहे तेल में रोस्ट भी कर सकते हैं ऑयल में, और साथ में मैंने कुछ टमाटर ऐसे ही रफली चॉप किए हैं, और ये आलू है जिसको मैंने रफली चॉप किया है बट ये बॉइल्ड आलू है, और साथ में थोड़ा घिसा हुआ अदरक, हरी मिर्च और धनिया, और इसमें ज़रूरत पड़ेगी नींबू की, और ऑब्वियसली सॉल्ट, ऑयल और थोड़ा सा चीनी भी। तो बनाना इसको शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने पैन ऑलरेडी हीटअप कर लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। इस रेसिपी को आप किसी भी टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में, डिनर में या फिर लंच टाइम में, किसी भी टाइम पे प्रेफर होने वाली रेसिपी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है, इसमें डाल दिया है जीरा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाला है, और हींग, जो कि मैं हर एक रेसिपी में ज़रूर डालती हूँ, अगर आप स्किप करते करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी के साथ मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ये जो मेरी अदरक और धनिया है इसी को डाल देंगे जीरे के साथ ही। अदरक को बारीक चॉप भी कर सकते हैं, बस उम्र में आता है तो हमारे यहाँ पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने इसको घीस के डाला। आपको इसको हल्का सा कलर चेंज होने तक, ये अदरक का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए उस लेवल तक इसको कुक करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। ये भुन गई है, इसी के साथ मैं अपने आलूओं को डाल दूंगी। इसको भी तेल में थोड़ा सा भून लेंगे। इस रेसिपी में सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है ये नींबू और चीनी। अगर ये यूज़ करके आप बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनेगी और एकदम खिली खिली बनेगी, जो आपको खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी, और एनी टाइम आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। इसलिए इस रेसिपी को ज़रा ध्यान से नोटिस करना है, क्योंकि मैं भी पहले यही गलती करती थी जब भी बनाती थी इसको, तो हमेशा ये चिपचिपी सी एकदम अलग तरीके से बन जाती थी, खिली खिली नहीं बनती थी जैसे कि लोगों की बनती थी। तो मैंने इस पर वर्क किया है और समझा है कि इसको बिना नींबू और चीनी के अगर आप बनाएंगे तो ये उस तरीके से नहीं बनेगी जिस तरीके से हम इसे खाना चाहते हैं। तो इसलिए इसको थोड़ा सा भूनना है आलू को, बहुत ही, क्योंकि ऑलरेडी ये बॉइल्ड आलू है, बहुत ज़्यादा पकाने की इसमें ज़रूरत नहीं। और टमाटर भी रफली चॉप किए हुए हैं, और ये एक चीज़ इसमें ध्यान रख दीजिएगा कि गैस जो है बिल्कुल हाई फ्लेम में होना चाहिए। टमाटर जो रफली चॉप्ड है वो मैंने इसी के साथ ऐसे ही डाल दिए हैं। बस इनको थोड़ा सा, टमाटर को बिल्कुल गलाना नहीं है, खड़े खड़े रहेंगे टमाटर इसी तरीके से, बस थोड़ा सा इसको पकना है, बस इतना ही इसको पकाना है। इसी में मैं अपने जो साबूदाना है वो ऐड कर दूँगी। आप इस रेसिपी को चाहे तो घी, देसी घी में, जैसे फलाहारी का टाइम होता है उस टाइम पे आप इसको देसी घी पे भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहे रिफाइंड ऑयल तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस टाइम पे मैं ये अपना साबूदाना जो है इसको ऐड कर दूँगी इसमें, और इसके डालते ही साथ ही में इसके नमक डाल दूँगी, और इसको मिलाना है फास्ट फास्ट, नहीं तो ये इसमें चिपकना शुरू हो जाता है साबूदाना बहुत जल्दी से। तो उसको साथ साथ ही हमें इसके मिलाना भी है। जैसे ही आप इसको मिलाएंगे, इसी के साथ आप इसमें एक लेमन का जूस ऐड कर दीजिए,
तुरंत ही हमें लेमन का जूस ऐड कर देना है। ये हाथ में इसलिए रख रही हूँ, बड़ी नॉर्मल सी चीज़ें आपको पता होगा, ताकि ये डीप सीज इसमें जा सके, इसमें सीड्स ना जाएँ, सिर्फ जूस जाए। और इसी के साथ आप एक पहले इसको मिक्स करके, अब ये देखिए थोड़ा तो वो चिपकता ही है जो साबूदाना है, बट ये काफ़ी खिला खिला रहेगा। अब इसके साथ ही आप इसमें थोड़ा सा शुगर ऐड कर देंगे, नियर बाय 1 टेबल स्पून, छोटा सा चम्मच काट कर। और जब आप मिक्स कर रहे हैं इसमें ये जो मूंगफली आपने भून के रखी है वो भी ऐड कर दीजिए। अब देखिए मैंने इसे 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये अच्छी तरीके से पक गया है। अब मैंने इसमें सिर्फ धनिया ऐड कर देना, गैस ऑफ कर दिया है, धनिया ऐड कर दिया और 2 मिनट में बस ये सर्विंग के लिए रेडी है। मैं इसकी प्लेटिंग कर देती हूँ, फिर आपको शो करती हूँ। सो सी फ्रेंड्स, ये मेरा रेडी हो गया है, इसको मैंने रेडी कर दिया है और ये बिल्कुल तैयार है खाने के लिए, और खाने में बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही हेल्दी भी है। साथ में आप चाय के साथ इसको इंजॉय कर सकते हैं ब्रेकफास्ट टाइम में, या बच्चों के लंच में भी इसको आप प्रेफर कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी है, ज़रूर इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।